कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो खाने से ज़्यादा दिखने में खूबसूरत दिखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक हम ऐसे मिठाई बनाते हैं जो खाने से ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगते हैं। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। तो चलिए बनाते हैं। तो एक बाउल में एक कप हम मेज़रमेंट से मैदा ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और एक बार हाथ से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से चलिए ऑयल को इस मैदे के साथ में हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मिक्स होने के बाद में एक बार इस तरह से मुट्ठी को बना कर देखेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब आटा बहुत अच्छी तरह से रेडी है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो लगा लेते हैं। डो को ना सख्त लगाएंगे, ना डो को हम ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से लग चुका है। तो चलिए इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो एक बाउल ले लेते हैं और उसमें एक कप के मेज़रमेंट से हम शक्कर डालेंगे और उसी कप के मेज़रमेंट से आधा कप हम यहाँ पानी डालेंगे। अच्छी तरह से शक्कर को हम पानी के साथ में घोल लेंगे। और हमें जो चाशनी बनानी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है और काफ़ी देर तक भी चाशनी को पकाना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चिपचिपा आ जाए इतना ही हमें इसे पकाना है। अब इसमें थोड़े से हम केसर के धागे डाल देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ में 1 से 2 तोड़कर इलायची इसमें डाल देंगे। चाशनी में देखिए बहुत अच्छी तरह से बॉइल्ड आ गई है और हमारी चाशनी भी रेडी है। ये हल्का सा देखिए चिपचिपा है, इसका मतलब चाशनी रेडी है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और चाशनी को हम साइड में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो गया है। तो चलिए अभी क्या करना है, आटा को हम एक बार इस तरह से मसल देंगे और इसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ये इस तरह से। तो एक पार्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पिंक कलर यूज़ करेंगे। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा पिंक कलर डालूँगी इसमें और अच्छी तरह से इस डो को मैं कलर के साथ में मिक्स करके इसे अच्छी तरह से रेडी करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो भी रेडी हो गया है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो अभी क्या करना है, पिंक वाले पार्ट को हमें ले लेना है और इसे बेलन से थोड़ी सी बेल लेनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम मैदा छिड़का लेंगे और इसे थोड़ा सा लंबाई में हम बेल लेंगे बेलने से। ये देखिए इस तरह से बेलन से हमें लंबाई में इसे बेलना है। अब देखिए जो पिंक वाला है उसके ऊपर हम ये दूसरा जो वाइट वाला गोला है उसे ले लेंगे और हाथ से इस तरह से थोड़ा सा इसे प्रेस कर कर हम इसको रेडी करेंगे और इसे इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से। मैं देखिए जैसे कर रही हूँ वैसे ही कीजिए। और फिर क्या करना है, हमें पिंक वाले को पैक कर देना है, ये इस तरह से वाइट वाले को अंदर अच्छी तरह से पैक कर देना है और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से हमें रब कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसे हम पैक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है। तो चले चाकू से इस तरह से अभी हम काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे अभी काटेंगे, ये इस तरह से। तो ये देखिए सभी टुकड़ों को मैंने काट लिया है। अभी क्या करना है, इसे इस तरह से प्रेस कर करके थोड़ा सा इसे बेलन से चपटा बनाना है, यानी हमें छोटे छोटे इसकी पूरियाँ बेलनी है। तो ये देखिए इसे हमने बेल लिया है। तो इसी तरह से सभी टुकड़ों को हम इसी तरह से बेल बेल कर इसे रखेंगे। इसे देखिए हमें एक दूसरे के साथ में जोड़ना है। तो मैंने ये साटा पहले से बना के रखा था, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा साटा लगाएंगे और इसे इस तरह से जोड़ेंगे और इसको इस तरह से गोल 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 करके घुमा के हम गुलाब की पंखुड़ियाँ रेडी करेंगे।
ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। तो इसे बीच में से इसको भी अच्छी तरह से देखिए हमें जॉइंट करना है। ये देखिए किनारों को अच्छी तरह से किसी तरफ से निकलना नहीं चाहिए और बीच में से इसे इस तरह से हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और पंखुड़ियों को थोड़ा सा हम फैला देंगे अभी ये इस तरह से थोड़ा सा। देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसी तरह से सारी मिठाइयों को हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे रोज़ मिठाई रेडी है। तो चलिए इन्हें अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इस तरह से इसे ऑयल में हम छोड़ देते हैं। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसे लो टेम्परेचर पे ही अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसे फ्राई करते समय कम से कम 6 से 7 मिनट आराम से लग जाते हैं। देखिए जल्दबाजी मत कीजिए, इसे आराम से ही फ्राई कीजिए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से हम चारों साइड से अलट पलट करके अच्छी तरह से इसे हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे जो रोज़ मिठाई है कितनी खूबसूरत और कितनी बढ़िया भी लग रही है। तो इसे फ्राई करने के बाद में थोड़ा सा इसका कलर तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये नई तरह की मिठाई है, आप ज़रूर इसे घर पर बनाइए। देखिए सभी देखकर खुश हो जाएंगे, खास करके बच्चे, बच्चे इस तरह की मिठाई काफ़ी पसंद करते हैं। तो चलिए अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी रोज़ मिठाई बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो चलिए अभी इसे निकाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे टिश्यू पेपर पर ऑयल सोक होने के लिए रख देते हैं। और देखिए ये रोज़ मिठाई कितनी सुंदर भी लग रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी रेडी है। तो चाशनी थोड़ा गुनगुना है, ध्यान रखिए चाशनी गुनगुना होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाता है तो चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तो इसी इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए हम मिठाई को अच्छी तरह से चाशनी में डुबोएंगे, ये इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए चाशनी में हमारी जो रोज़ मिठाई है अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो गए हैं। तो चलिए इसे निकाल देते हैं, और अगर आपको खाना है तो 1 घंटे के बाद ही आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए एक एक करके हम इसे निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ मिठाई को अंदर से एक बार तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो ये देखिए ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से देखिए कितनी जूसी भी बनी है। तो ज़रूर घर पर इसे एक बार बनाइए और फैमिली के साथ में ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये रोज़ मिठाई आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, उसी के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।